अरे इंटेलिजेंट कहिए, समझदार कहिए, होशियार कहिए, बुद्धिमान कहिए, ना कहिए तो सिर्फ शक्तिमान ना कहिए, क्योंकि वो ठहरे राजा भोज और हम है गंगू तेली। आप हमें कह सकती है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार नाथ शास्त्री ग्राम गुटिंडा पोस्ट। वैसे आप तो हमारा नाम जानती हैं। हाँ, हम आपको अपनी बाल्यावस्था के बारे में बताते हैं, एक विशेष बात बताते हैं। हाँ। हमारी बाल्यावस्था की विशेष बात जो थी ना। हाँ, क्या? जो विशेष बात थी ना। हाँ? वो विशेष बात ये है। हाँ? कि हम भी थे ना। हाँ? हम भी वो जो साधारण बच्चे हुआ करते हैं ना। हाँ? उन साधारण बच्चों की तरह हम भी साधारण। ओफो गंगाधर, तुमने फिर से मजाक करना शुरू कर दिया। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे शक्तिमान के बचपन की कहानी बताओगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस? हाँ हाँ, प्रॉमिस। शक्तिमान, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे बचपन की कहानी को जानना मेरे लिए अब और भी जरूरी हो गया है। क्योंकि हमारे ऑफिस के स्टाफ वालों ने ये डिसाइड किया है कि हमारे कॉमिक्स के दूसरे एडिशन के पहले पन्ने पर तुम्हारे बचपन की पूरी कहानी संक्षेप में होगी, ताकि कॉमिक्स को पढ़ने वाला हर एक रीडर तुम्हारी यानी शक्तिमान की कहानी को पूरी तरह से समझ सकेगा, उसे जान सकेगा। और इसलिए तुम्हारी बचपन की कहानी वो मुझसे मांग रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं शक्तिमान? नहीं, आज तो तुम्हें मुझे पूरी कहानी बतानी ही होगी। देखो, अरुंधति देवी और तुम जंगल में अकेले भटक गए थे, वहां तक तो मुझे मालूम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तुम लोग कहां चले गए थे? देखो गीता, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि इसके आगे की कहानी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम कहानी जानने की पूरी कोशिश करोगे। हाँ, लेकिन इस बीच में कोशिश नहीं कर पाएगी तो। लेकिन क्यों? बस ये समझ लो कि वक्त ही नहीं मिल पाया। एक बात बताओगे मुझे? हाँ पूछो। तुम अपने कहानी को जानने के लिए करते क्या हो? मेरा मतलब है, किसी ना किसी से तो पूछते होगे ना। हाँ हाँ, किससे? तुम मिलना चाहोगी उससे? ऑफ कोर्स मिलना चाहूंगी मैं उससे, बल्कि मिलना ही नहीं, मैं तो उससे तुम्हारी पूरी कहानी पूछूंगी। मुझे ले चलो ना उसके पास, प्लीज। उससे मिलने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो यही है, इसी कमरे में। क्या? यहाँ? लेकिन कहाँ? अभी बताता हूं। ये क्या है? यही है वो मणि जो मुझे मेरी कहानी सुनाती है। ये मणि बोलती है? हाँ, ये महागुरु की दी हुई पवित्र मणि है। इस मणि से अब तक जो मैं कहानी सुन चुका हूँ वो सब मैं तुम्हें सुना चुका हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने ही इस मणि से अपने आगे की कहानी सुनूंगा। हाँ। हे पवित्र मणि, जागो, मुझे अपने जीवन की गाथा को जानना है। जागो पवित्र मणि, जागो, जागो। आगे की कथा सुनो। वहां तक तो तुमने सुना था कि अरुंधति देवी बालक गंगाधर को यानी कि तुम्हें साथ लेकर शमशान के एक झोपड़े में छिप गई थी और दैत्यों ने उस झोपड़े में आग लगा दी थी। उसके बाद झोपड़े की राख में उन दोनों के शवों को देखकर दैत्य लौट गए थे, परंतु वो शव तो चांडाल की पत्नी और उसके बच्चे के थे। यानी भविष्य के शक्तिमान ने जाकर भूतकाल में अपने बचपने को बचाया था, ये कथा भी जान चुके हो तुम। हाँ, परंतु मुझे आगे की कथा जाननी है। जान जाओगे, आज तुम पूरी कथा जान जाओगे। वत्स, झोपड़े में लगी आग से अरुंधति और बालक गंगाधर की मृत्यु नहीं हुई है,
ये बात महागुरु ने बताई थी चिंतित सूर्यांशी समुदाय से। देवी अरुंधति और बालक वन में अकेले हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? किलविश तो शमशान घाट में चांडाल की पत्नी और मृत बालक के शव को देखकर संतुष्ट हो गया है। वो अरुंधति और बालक को मृत समझ रहा है। परंतु महागुरु, ये दोनों यदि कहीं किलविश की दृष्टि में पड़ गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। वो पुनः बालक को मारने का प्रयास करेगा। हाँ महागुरु, हमें जहाँ तक हो सके यौन अवस्था तक उस बालक को किलविश की दृष्टि से दूर ही रखना चाहिए। यही उचित भी होगा और इसकी व्यवस्था आप ही करेंगे आचार्य मृत्युंजय। हाँ वैद्यराज, वैसे भी आप अपने अद्वितीय वैद्यकीय ज्ञान से इस संसार में भ्रमण करते हुए अस्वस्थ प्राणियों को स्वास्थ्य लाभ कराते रहते हैं। अब कुछ दिनों के लिए गुटिंडा ग्राम में बसकर यही कार्य करना होगा आपको, और अरुंधति देवी और बालक को उसी ग्राम में बसाना होगा ताकि वो बालक कभी भी आपकी दृष्टि से ओझल होने ना पाए। मैं इस उत्तरदायित्व को स्वीकार करता हूँ महागुरु। यद्यपि आप स्थायी रूप से उस ग्राम में वैद्यराज बनकर रहेंगे, परंतु नित्य ही सूर्यांशों का भी उस ग्राम में आना जाना रहेगा। यह आवश्यक भविष्य में उस बालक की सुरक्षा को देखते हुए। जब तक वो पूरे 12 वर्ष का नहीं हो जाता है, हमें निरंतर उसका ध्यान रखना ही होगा। अब शीघ्रता कीजिए वैद्यराज, वो दोनों वन में अकेले हैं। किसी भी तरह उन्हें विश्वास में लेकर आपको गुटिंडा ग्राम की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां का मुखिया भी एक सूर्यांशी ही है, वो आप लोगों के लिए निवास की व्यवस्था कर देगा। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु। और फिर सूर्यांशी मृत्युंजय शर्मा चल पड़े अरुंधति और बालक गंगाधर की खोज में। परंतु उसी समय भविष्य का किलविश भी आ पहुंचा था गंगाधर को बचपन में ही मार देने के उद्देश्य से। लेकिन तभी भविष्य से आए सूर्यांशी बालक द्विज के साथ गीता विश्वास भी पहुंच गई थी और शक्तिमान भी पहुंच गया था अपने बचपन को बचाने। और फिर उनका संघर्ष शुरू हो गया भविष्य के आए हुए किलविश के साथ। अब तुम सब नहीं बच पाओगे अंधेरे के माया जाल से। से बचाना होगा। मेरा बच्चा। ये लीजिए आपका बच्चा।
ये अंधेरे का माया जाल है। शक्तिमान, हम इस माया जाल से कैसे निकल पाएंगे? बच्चे को मुझे दे दीजिए, आप लोग भागो, भागो आप लोग। जल्दी देवी जी, चलिए आइए। जल्दी चलिए। तेरा माया जाल खत्म हो गया है किल्विश, अब तेरी बारी है। और फिर तुम सब के लौटने के बाद अरुंधति चल पड़ी वन में आगे, बालक गंगाधर को गोद में लिए। नियति का क्रूर खेल तो देखो, आगे उन्हें अपने पति का शव मिल गया जिसकी हत्या किल्विश ने कर दी थी। स्वामी, कहाँ है आप? स्वामी, स्वामी, आप कहाँ हैं स्वामी? इस तरह कौन पड़ा है जमीन पर? स्वामी, उठिए ना, क्या हो गया आपको? उठिए ना, उठिए, ये क्या हो गया आपको? उठिए ना, क्या हो गया? उठिए ना स्वामी, उठिए स्वामी, आप उठ क्यों नहीं रहे? उठिए स्वामी, उठिए। क्या बात है बहन, ये तुम्हारे पति? कुछ दैत्यों ने इन्हें मार डाला, इन्हें मार कर मुझे और मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया।
हरि ओम। ऐसा नहीं कहते बहन, नाथ तो हम सबका केवल वही एक ईश्वर है और उस ईश्वर के रहते कोई प्राणी अनाथ नहीं हो सकता। तुम आज से मुझे अपना बड़ा भाई समझो बहन। अरुंधति को आशा नहीं थी कि जिस वन ने उससे उसके पति को छीन लिया था वही वन उसे एक भाई भी दे देगा। कहने को मृत्युंजय शर्मा ने धर्म बहन माना था अरुंधति को, मगर उनका स्नेह सगे भाई से भी कहीं अधिक था। फिर वही वन में पंडित विद्याधर शास्त्री का अग्नि संस्कार किया गया। ओम वाजोन सप्त प्रदेश शतस्त्रो परावत वाजोनो विश्व देवेन साता विहावतु। क्या हुआ वत्स, क्या सोच रहे हो? अपने दुर्भाग्य के बारे में सोच रहा हूं। मैं भी कितना अभागा हूं, अपने बचपन को बचाने के लिए गया था, बचपन को किलविश से बचाकर वापस लौट आया। यदि थोड़ी देर और रुक जाता तो अपने पिता विद्याधर शास्त्री को मुखाग्नि देने का सौभाग्य तो मिल जाता मुझे, परंतु यह सब मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। भाग्य के खेल से कोई परे नहीं है वत्स। योगी होकर इस बात का ज्ञान तो तुम्हें होना ही चाहिए। हाँ शक्तिमान, उस वक्त तुम्हारी कहानी के बारे में कुछ पता भी तो नहीं था, ना द्विज को, ना मुझे, और ना ही 2 साल पहले वाले शक्तिमान को। और फिर हमें जल्दी भी तो थी, तुम्हें हिमयुग से वापस जो लाना था। अब आगे की कथा सुनो वत्स। पंडित विद्याधर के दाह संस्कार के बाद सूर्यांशी मृत्युंजय शर्मा चल पड़े अरुंधति देवी को साथ लेकर। बहन, अब हम नदी के किनारे पहुंचने ही वाले हैं। वहां तुम्हारे पति की अस्थियों का विसर्जन होगा। ये उनकी आत्मा की शांति के लिए अत्यंत आवश्यक है। आओ बहन। Oh,
नदी में अस्थि विसर्जन के पश्चात फिर वो जा पहुंचे गुटिंडा ग्राम में। हर लो बहन, यही है हमारा गांव, अब तुम्हें भी यही रहना है। प्रणाम वैद्यराज। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, तुम्हें यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। प्रणाम वैद्यराज जी। प्रणाम वैद्यराज जी। यहाँ हमारे मुखिया जी बैठते हैं और मुखिया जी तो बहुत ही सज्जन हैं। नमस्कार वैद्यराज जी, आइए आइए आइए, बड़े लंबे समय के बाद लौटे आप इस गाँव में। आप जानते हैं मुखिया जी, तीर्थ यात्रा में समय तो लग ही जाता है। आपके साथ ये आदरणीय महिला कौन है वैद्यराज जी? हमारी धर्म बहन है मुखिया जी, बेचारी दुखिया ब्राह्मणी है, ये भी अपने पति के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी। जंगल में दैत्यों ने इनके पति का वध कर दिया, बेचारी अपने पति का शव गोद में रखे इस बालक को लेकर बैठी थी। इनका रुदन सुनकर मैं भी इनके पास गया। अब इस संसार में इस बालक के सिवाय इनका कोई नहीं है। इनके पति का दाह संस्कार करने के पश्चात मैं इन्हें गांव में ले आया हूं, यही रखने का विचार है। मुझे आशा है आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। कैसी बातें करते हैं वैद्यराज जी, ये केवल आप ही की नहीं सारे गांव की बहन है। आपने बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें ले आए यहाँ। धन्यवाद। इस गांव में इतना समर्थ तो है वैद्यराज जी कि अपनी एक विधवा बहन की देखभाल कर सके। आपके घर के पास ही एक खाली घर पड़ा है, आप चाहो तो मैं इन्हें दे दूं। धन्यवाद मुखिया जी, यदि आपका जैसा मुखिया हर गांव में हो तो ये देश स्वर्ग बन जाए। धन्यवाद कैसा वैद्यराज जी, बस अपना धर्म निभा रहा हूँ। कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल सत्य का अवतार लगता है। धन्य भाग इस गांव के जो इसका लालन पालन यहाँ होगा। अरे सुखिया जी। मुखिया जी। घर जाकर मालकिन से इनके लिए कुछ कपड़े और दूसरी जरूरी चीजें वैद्यराज जी के पास वाले मकान पर ले आना। जी अभी लाया। चलिए वैद्यराज जी, चलिए बहन आपको आपका घर दिखा दूं। इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझकर रहना। किसी बात की चिंता मत कीजिए, ये घर ये गांव आपका है। ये सब सामान मालकी ने भेजा है सरकार। ठीक है उधर रख दो। जी मुखिया जी। चलो भाई संभाल के रखना। ये यहाँ यहाँ रख दो। लेना भाई कुछ बाकी तो नहीं रहा, आ जाओ। राम राम मुखिया जी। राम राम मुखिया जी। इसके अलावा किसी चीज की आवश्यकता हो तो बता दीजिएगा बहन। जी। अच्छा तो वैद्यराज जी हम चलते हैं, अब ये घर आपका है बहन। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कहा था ना बहन, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। हाँ भैया, इस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन। लेकिन क्या बहन? इसका लालन पालन मैं किसी और के दिए अन्न वस्त्र से नहीं करना चाहती भैया, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा मेरा स्वाभिमान। अरुंधति स्वाभिमानी महिला थी, वो किसी और के दिए वस्त्र अन्न से अपना और तुम्हारा लालन पालन कैसे कर सकती थी? अरुंधति मृत्युंजय शर्मा के यहाँ काम करने लगी। बहन। हाँ भैया। सर्पगंधा की जड़ी देना। जी।
ये भी लीजिए। बस रहने दो बहन, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बच्चे को लेकर घर जाओ। अगर मैं घर चली जाऊंगी तो ये काम अधूरा रह जाएगा भैया। कोई बात नहीं, कल कर लेना। अभी बालक को तुम्हारी आवश्यकता है, जाओ घर जाओ। ठीक है भैया। आले आले ले 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 ले, अरे 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 रे। अच्छा बच्चा नहीं रोता। रुको बहन, अपना पारिश्रमिक तो लेती जाओ। ना ना ओ ना ना बेटी, अच्छे बच्चे नहीं रोते। लो बहन। धन्यवाद भैया। एक बात पूछूं? पूछिए। तुम्हें जीवन यापन के लिए ये सब करने की आवश्यकता क्या है? यहाँ तो जो कुछ है तुम्हारा ही है। क्या भाई की वस्तुओं पर बहन का अधिकार नहीं होता? बात अधिकार की नहीं, मेरे स्वाभिमान की है भैया। जरा सोचिए, इसकी माँ कहलाने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त होगा? सिर्फ जन्म देने से ही माँ बाप बनने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि अपनी मेहनत से बच्चे का भरण पोषण करने के बाद ही अधिकार प्राप्त होता है। और फिर मैंने तो इसे जन्म भी नहीं दिया। अपनी मेहनत से जब मैं इसका भरण पोषण करूंगी तभी अधिकार मुझे प्राप्त होगा। कम से कम यह अधिकार तो मुझसे मत छीनिएगा भैया। बहुत उच्च विचार है तुम्हारी बहन। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं अपने भाई के यहां काम कर रही हूं, अन्यथा अगर आप नहीं मिले होते तो पता नहीं क्या होता। इस बच्चे के साथ कहां दर दर की ठोकरें खाती फिरती मैं। इसीलिए फिर कभी काम छोड़ने के लिए मत कहिएगा भैया। मैं अपनी मेहनत की कमाई से इसका भरण पोषण करना चाहती हूं। धीरे धीरे बालक गंगाधर बड़ा होकर 6 वर्ष का हो गया, परंतु बालक गंगाधर बचपन में अत्यंत दब्बू स्वभाव का था। वो देखो, डरपोक गंगाधर आज भी किनारे पर बैठकर नहा रहा है। हे! ए गंगाधर, तू क्या रोज नदी के किनारे बैठकर लोटे से नहाता है? अरे नदी में तो ऐसे ही नहाया जाता है हमारी तरह। ओ, ये, ओ, ये। आना गंगाधर हमारे साथ नदी में नहाने को। नहीं, हम नहीं आएंगे। ए गंगाधर, तू हमारे साथ नहाएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं। हाँ आ जाने तो हम तुझे खींच ले जाएंगे। नहीं, हम नहीं आएंगे, हमें डर लगता है। हमारे साथ आएगा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, हे गंगाधर पानी में नहाने को आ। नहीं नहीं, हम नहीं आएंगे। आना गंगाधर, ने बोला ना हम नहीं आएंगे। हे डरपोक डरपोक गंगाधर डरपोक, हे डरपोक डरपोक गंगाधर डरपोक डरपोक, हे डरपोक। इधर आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ, इधर। हे, वो ऐसे नहीं मानेगा, हम उसे खींच कर लेंगे। चलो चलो। हाँ चलो चलो। छोड़ो मुझे, अरे अरे
से छोड़ो छोड़ो चलो, देखो भाग रहा है गंगाधर भाग रहा है पकड़ो इसे पकड़ो जाने ना पाए चलो पकड़ो गंगाधर को पकड़ो अरे बाप रे कुत्ता ये मुझे काटेगा अब मोती आ गया है ये मुझे काटेगा मोती छु 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 क्या कर रहे हो तुम लोग अरे वेदराज जी आ गए भागो 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 क्या बात है बस हमको लोग पानी के अंदर ले गए और हमारी धोती भी खोल दी हमारे पीछे कुत्ता भी लगा दिया तो क्या हुआ वत्स इसमें भयभीत होने की क्या बात है वो तुम्हें पानी में ले जाना चाहते थे तो तुम चले जाते मगर हमें पानी से डर लगता है और कुत्ते से भी डर लगता है वो हमें काटने आते हैं बार बार अभी हम घर जाए ठीक है वत्स तुम घर जाओ और सुनो तुम्हारी धोती कहाँ है हमारी धोती तो पानी के अंदर ही बह गई ठीक है कोई बात नहीं घर जाओ वैद्यराज जी अब हमें संदेह होने लगा है कैसा संदेह 6000 वर्षों से हम जिस बालक की प्रतीक्षा कर रहे थे क्या ये वही बालक है निसंदेह सूर्यांशी चंद्रक महागुरु की गणना कभी मिथ्या नहीं हो सकती उन्होंने यदि कहा है कि बालक गंगाधर श्री सत्य का पुनर्जन्म है तो अवश्य है परंतु वैद्यराज बालक गंगाधर के क्रियाओं को देखकर यह विश्वास नहीं होता कि एक दिन बड़ा होकर वो पाप का प्रतिकार करेगा और संसार में सत्य का योद्धा के रूप में पहचाना जाएगा कहीं ऐसा ना हो वैद्यराज ये बालक गंगाधर हम सूर्यांशियों की सारी आशाओं को मिट्टी में मिला दे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सूर्यांशी चंद्रक तो और क्या कहूँ वैद्यराज श्री सत्य महान योद्धा थे वो असीम शक्ति के स्वामी थे यदि इस बालक के शरीर में उनकी ही आत्मा है तो फिर ये भय इतना दबूपन क्यों प्रायः कठोर शिलाओं के भीतर जलाशय छुपा होता है सूर्यांशी चंद्रक ये मत भूलिए जब बालक गंगाधर नवजात शिशु था उस समय उसके साथ कई भयंकर दुर्घटनाएं घट चुकी हैं। ये भी संभव है कि उन्हीं भयंकर दुर्घटनाओं ने इस बालक के हृदय में भय का संचार कर दिया हो परंतु विश्वास रखिए एक न एक दिन भय के इस आवरण को चीर कर उसकी आत्मशक्ति निश्चय ही बाहर आएगी ईश्वर करे ऐसा ही हो वैद्यराज अन्यथा सूर्यांशी समुदाय निराश हो जाएगा ये बालक ही अंतिम आशा है हमारी क्या ये सचमुच हमारे लिए चिंता का विषय है वैद्यराज ये देखकर चिंतित हो उठे सूर्यांशी मृत्युंजय भविष्य में महायोद्धा बनने वाले बालक के मस्तिष्क से दब्बूपन हटाना आवश्यक था ये कर्तव्य भी था सूर्यांशी मृत्युंजय शर्मा का
कैसे डूब जाओगे बस? देखो ना, पानी तो तुम्हारे घुटने तक ही है। लेकिन चाचा, हमें पानी से भय लगता है। तुम पानी से भयभीत क्यों होते हो वत्स? देखो ना, तुम कितनी अच्छी तरह खड़े हो। हमें पानी से डर लगता है वत्स चाचा। परंतु क्यों वत्स? तुम पानी से क्यों डरते हो? वत्स चाचा, हमें लगता है कि हम पानी के अंदर जाके डूब जाएंगे। तो फिर तैरना सीखो वत्स। तुम्हें तैरना आ जाएगा तो पानी से तुम्हारा डर निकल जाएगा, तुम नहीं डूबोगे। बोलो, सीखोगे ना तैरना? नहीं चाचा, हमें यहाँ से बाहर निकाले, हमें डर लग रहा है। किस बात का डर वत्स? तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। नहीं नहीं, हमें बाहर निकाले, हमें डर लग रहा है। बिल्कुल नहीं, देखो तुम तैरना सीखोगे, अवश्य सीखोगे। एक बार फिर प्रयास करो। हाँ वत्स, और प्रयास करो वत्स, और प्रयास करो। मैं तुम्हें सहारा देता हूँ वत्स, फिर प्रयास करो। नहीं, एक बार और वत्स, अपने हाथ और पांव दोनों चलाओ वत्स, देखो तुम्हें तैरना आ रहा है। ऐसे ही वत्स, तुम बहुत जल्दी तैरना सीख जाओगे। हाँ, देखो तुम्हें तैरना आ रहा है। अरे तुम सीख तो गए, बहुत अच्छे बस, बहुत अच्छे। आ जाओ अब पानी के बाहर, आज इतना ही पर्याप्त है। देखा ना, तुम कितनी जल्दी तैरना सीख रहे हो। कल फिर आना है तैरने के लिए, समझे ना बेटा? कहो बस, अच्छा लगा ना? देखा, तुम कितनी जल्दी तैरना सीख रहे हो। जब तैरना सीख जाओगे तो गांव के बच्चे तुम्हारा उपहास नहीं करेंगे। आज इतना ही बहुत है, घर पर माँ तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। ऐसा करो, कपड़े पहनो और जल्दी से घर जाओ, और कल फिर इसी समय यही आना है। कपड़े पहन लो बस। रुक क्यों गए बस? जाओ,